हेलो, कश्यप इंटरप्राइजेस के एक खिलाड़ी को टी शर्ट का साइज का कुछ इशू है तो उसको खेलने दिया जाएगा। उस पर कोई पेनल्टी नहीं रहेगी, दोनों ही ऑफिशियल अंपायर, इस बात का ध्यान देना आपको। हेलो हेलो, 25 मिनट का समय दिया जा रहा है एक इनिंग की समाप्ति के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन 9:20 पर पहली गेंद गिर रही है। भाई उप्पी, 12वां खिलाड़ी कौन है? कौन है बैटिंग के अंदर? ए स्ट्राइकर, पीछे घूम, नाम दिखा। स्ट्राइक पर है रश्मि, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है कैफ फैज और गेंदबाजी पर है उस्मान। पहली गेंद रजमी के लिए, आज की शाम का ये तीसरा मुकाबला। ओ, ब्लॉक होल में गेंद को रखा था, अच्छी शुरुआत दिलाई है, डॉट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज उस्मान ने। अच्छा संपर्क, लॉन्ग ऑन की दिशा में उस शॉट को पुश किया और अपनी टीम को एक रन के साथ खुश किया। खाता खुला है यहाँ पर भिंडी टाइटंस। हम गेंदबाज के बहुत तो शुक्रगुजार हैं कि 3 तक की गिनती याद करा दिया दर्शकों को। देखिए बाहर से किसी तरह का कोई कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है। पहली 3 गेंदों में 3 तक गिनती याद कराई, अब चौथी गेंद में 4 तक गिनती याद कराइए। ऑडियंस है वो बैट्समैन ही चूती है। देखिए मैं नहीं समझता कि परवेज और मैच को शुरू रखना है। आइए अब आगे की आंखों देखिए और मुंह जबानी आपको बताएंगे। नासिर शेख, बुलंद आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर खान। अच्छी गेंद वहां पे, मगर 1 रन। दो रन क्या बोल, 2-2 को। उसामा फैज के लिए, अच्छी गेंद एक बार फिर से, मौका नहीं दे रहे हैं बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए उसामा। उस्मान
फिर से अच्छी गेंद उस्मान की, मैं कहूंगा बहुत अच्छी ओवर डाल के गए, केवल 6 रन खर्च किए अपने इस ओवर में, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6। अब दूसरी ओवर देखना होगा कौन लेके आता है। व्हाइट बॉल, फिर से अच्छी गेंद, अच्छा प्रयास वहां पे रेजो का। 2-3 विकेट कीपर टर्फ में है जो बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं, जिसमें एक नाम रेजो भी है। फिर से अच्छा शॉट, खींच के मारने का प्रयास, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल गया है। ओहो, अगर हाथ में लेते तो शायद आउट हो सकता था, उन्हें लगा डायरेक्ट स्टंप पे जा रहा है, और एक जीवन दान कहूंगा मैं फैज को मिला। फिर से वाइट का इशारा अंपायर का, तो इस एक वाइट से रन आगे बढ़ता हुआ 11 रन। अभी भी 4 गेंदे बची हुई है इस ओवर में, अच्छा शॉट, एक रन बनाए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, तो इस एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। ओहो, क्लीन बॉल टप्पा खाने के बाद। बिल्कुल इसके बाद का जो मुकाबला है, एक शॉट है, से पहले एक शॉट का इशारा आया था, अभी वाइड बॉल, अच्छी गेंद पैरों पे थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला हम निहाल सुपर किंग्स का देखने जा रहे हैं, जो इस टर्फ के सबसे महंगे खिलाड़ी मुन्ना शेख उनके टीम में खेलेंगे, और एक बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ेंगे सुफियान, उनका भी काफी, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बहुत जबरदस्त रहती है। देखना होगा एक्शन में निहाल सुपर किंग्स, सद्दाम खान की टीम है ये, क्या बात है, हम थोड़ी देर में एक्शन में देखेंगे। 15 रन, 15 अब YouTube के माध्यम से सद्दाम खान इस मैच को जरूर देखेंगे निहाल सुपर किंग्स की, सिकंदर भाई क्योंकि कुछ व्यस्त उनका शेड्यूल होने की वजह से वो यहां पहुंच नहीं सके। इमरान भाई आप जहां कहीं भी आपको स्टेज पे आना है, इमरान शेख साहब BAT के ओनर इमरान शेख, अच्छी गेंद, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, रन अभी भी 15 ही बने हैं। अरबाज़ और समीर ना, अरबाज़ और समीर,
बिल्कुल, अब हमारे बीच BAT के अरबाज मुजम्मिल और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका भी गेम बहुत जबरदस्त है। BAT में जब जब इनकी जरूरत पड़ी है, जब जब धमाका करके दिखाए है। इनका भी गेम आप देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, बस कुछ ही देर में BAT भी आज एक्शन में नजर आएगी। क्या बात है, व्हाइट बॉल, अंपायर कैसा रहा इस बीच व्हाइट, तो लौट चलते खेल की तरफ। 18 रन हो चुके हैं। डॉट बॉल, बाहर से कोई भी कमेंट ना करे प्लीज, वाइड है या नो है प्लीज, इस बात का ध्यान देना है सभी को, बाहर से कोई भी ना बोले प्लीज। अच्छा शॉट, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल गए, अच्छा थ्रो वहां पे, फिर से एक और रन के लिए पलट गए। क्या रनिंग है उसामा की, अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखी गई, उसामा और फैज। अब 21 रन, 2-2 को, दो गेंदे बची अभी भी इस ओवर में, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। 21 रन, फिर से अच्छी गेंद, मौका नहीं दे रहे है उस्मान बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक लेने का। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, क्या जबरदस्त एक्शन है ये देखिए उस्मान का, बिल्कुल 1, 2, 3, 4 की आवाजें गूंज रही है मैदान में। फिर से अच्छी गेंद, एक रन, तो तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 23। अब बची हुई तीन ओवर में भिवंडी टाइटंस कम से कम 50 प्लस तो देख रही है सिकंदर भाई यहां पे, क्योंकि 50 प्लस एक सम्मानजनक स्कोर माना जा रहा है इस टर्फ पे। अगर 50 के नीचे तो बहुत सारी टीमें मैच को लूज करती है। देखना होगा अब भिवंडी टाइटंस कहां तक पहुंचती है। बिल्कुल, इंटरव्यू में हमने उनसे पूछा था वो 60 प्लस देखेंगे, उन्होंने कहा था कि 60 प्लस। तो अब नए गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने, रफीक। रफीक भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं सिकंदर भाई टर्फ में। रफीक फैज के लिए, नो बॉल, अच्छा शॉट कहूंगा, मगर एक रन। उसामा मोमिन भी टर्फ के एक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। अब देखना होगा, फिर से अच्छी गेंद, मैंने तो पहले ही कहा रफीक की गेंदे आसानी से समझ में नहीं आती है बल्लेबाजों को, तो अभी भी तीन गेंदे बची हुई है इस ओवर में। 28 रन, 28, ओहो डाई मार के वहां पे बचाया है, कैच करने का प्रयास था लेकिन कैच नहीं हो पाया, कौन था वहां पे फील्डर, मुशरिफ, मुशफिक थे। फिर से अच्छा स्ट्रोक, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल गए। अब यहां पे आसानी होगी रेशियो के लिए। तो अब नए बल्लेबाजी बल्लेबाज आ रहे हैं, आरिफ शेख बल्लेबाजी करने,
रफीक की क्या गेंदे अभी तक इस ओवर में मैं कहूंगा। ये देखिए टप्पा खाने के बाद बहुत जबरदस्त सीधा पैरों पे आती है गेंद, बल्लेबाजों को आसानी नहीं होती है स्ट्रोक खेलने की, मगर हाँ बिल्कुल ओवर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 ओवर सॉरी वो मैं चेक करते रहता तो बीच बीच में कहीं कोई सो तो नहीं रहे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन गुलाम को अब मोर्चे पे लगाया है। छोटू तो हमारे पीछे छोटू मौजूद है, चलता है 32 रन 32। व्हाइट बॉल 33 रन 33 दो विकेट के नुकसान पे। गुलाम आरिफ के लिए नो बॉल फ्री हिट। अब लाठी हाथ में ले लो, चाहे अंधी चलाओ चाहे सीधी चलाओ, फ्री हिट है। वाइड बॉल बाहर से किसी को कमेंट नहीं करना है बॉल डालने के वक्त, ऐसा कहना है प्लीज इस बात का ध्यान दे बाहर से ना करे बॉल डालने के बाद। ओ हो फ्री हिट था, फ्री हिट कंटिन्यू था, जीवन दान मैं कहूं यहां पे आरिफ शेख को। अभी भी 5 गेंदे बची हुई, एक ही गेंद हुई है गुलाम की। फिर से ये देखिए आरिफ ने जोर से स्ट्रोक खेला, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट गया, बहुत अच्छी रनिंग मैं कहूंगा। और इसी के साथ ओसामा मोमिन मुजफ्फर तो अंपायर का इशारा है इंपैक्ट प्लेयर बोल चुका हूं। जानता कौन है? अच्छा शॉट, ओहो आते बराबर। गुलाम मुजफ्फर के लिए वाइड बॉल 44 रन 44 4 4 4 4
फिर से इस बार अच्छी गेंद। तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 44, चार विकेटों के नुकसान पे भिवंडी टाइटंस। तो अब आखिरी ओवर लेके आया गेंदबाज उसामा। फिर से अच्छा शॉट, एक ही रन से संतुष्ट वहां पे। तो निहाल सुपर किंग्स के कैप्टन और नाइट राइडर्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स के पास आना है। निहाल सुपर किंग्स के छोटे से खिलाड़ी बहुत बड़े बन चुके हैं, आ चुके हैं फरहाद। ये देखिए जोर से खींच के मारा वहां पे आरिफ ने, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट गए और आसानी से दो रन मुकम्मल कर लिए। तो सिक्सर के लिए जा रहे हैं वहां पे आरिफ, लेकिन मौका नहीं बन रहा है और टाइमिंग नहीं हो पा रही है। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा उसामा की, फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए। अब मुजफ्फर आए स्ट्राइक पे, जिन्होंने आते बराबर स्ट्रोक लगाया था सिक्सर। देखना होगा बची हुई दो गेंदों पे क्या कुछ होता है। फिर से एक फुल टॉस बॉल थी मगर नीचे रखे, मगर दो रन, आसानी से दो रन मुकम्मल किए। इस दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 51। लास्ट बॉल 1-2 गो। आखिरी गेंद, सामना करेंगे मुजफ्फर। ये देखिए मैच के टॉस के लिए सलाम भाई और इजाज भाई, आपको आगे आना है। तो देखिए आगे आना है प्लीज। दोनों टीम के कैप्टन आशीर, एक जगह एमएलए ट्रॉफी है और दूसरी जगह सद्दाम भाई है। कौन उड़ाएगा? आप उड़ेंगे। कॉल कौन करेगा? फरहाद कॉल करेगा। ठीक है, ओके। क्या कॉल? तो एमएलए
ट्रॉफी कॉल किया फरहाद ने और टॉस जीता नेहाल सुपर किंग ने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही मेहमान, कैप भी पहनाना आपको। ये देखिए कैप्टन्स कैप पहनाया जा रहा है नेहाल सुपर किंग्स के कैप्टन, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही मेहमान, और एक नन्हे से मेहमान भी आए हुए। तो फरहाद टॉस जीता है नेहाल सुपर किंग्स, एक से एक बढ़कर नाम नेहाल सुपर किंग्स में। सबसे महंगे खिलाड़ी मुन्ना शेख टॉस जीता है, सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे? बैटिंग लेने हम लोग को, बैटिंग करेंगे। तो बैटिंग करते वक्त वो कौन कौन से प्लेयर है जो आप और कितने रन तक जाने की कोशिश करेंगे? हम लोग 60-50 तक जाने की कोशिश करेंगे और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। और खिलाड़ी जो है सुफियान है, मुन्ना है, हमजा है, और भी अरमान है, सभी खिलाड़ी पे उम्मीद ज्यादा है, बस अच्छा खेल के देंगे। तो 60 प्लस हम देख रहे हैं नेहाल सुपर किंग्स की तरफ से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला देखने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फरहाद। तो अब आते हैं नाइट राइडर्स के कैप्टन आशीष, टॉस जीतते तो क्या करते? मेरे को फील्डिंग ही चाहिए थी, तो जो चाहिए थी वही मिल गई। तो कहां तक रोकने की कोशिश करेंगे? 40 के अंदर ही रोकने की कोशिश करेंगे। वो कौन से गेंदबाज है जो 40 के अंदर रोकने में ज्यादा कामयाब करेंगे आप? फैजान, फैजान पे ज्यादा यकीन है। तो एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज नेहाल सुपर किंग्स हैज वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। हाँ एक ऐलान और है, तो इस बात का आप लोगों को सबको ध्यान देना, वीआईपी डाइस पे सिर्फ हमारे मेहमान बैठेंगे और प्लेयर्स लोग ना बैठे प्लीज। पूरे टूर्नामेंट में ये हमारे कमेटी का ऐसा कहना है, प्लेयर्स लोग आप प्लेयर स्टैंड में जाए और सिर्फ जितने भी मेहमान आएंगे सिर्फ हमारे मेहमान लोग ही जो है वीआईपी डाइस शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सिकंदर खान। हेलो, बहुत शुक्रिया नासिर शेख। तो यहाँ पर जो कमिटमेंट टीम के कैप्टन ने दिया था कि 50 प्लस तक उनकी टीम देख रही है, हालांकि चुटकी ली थी वहां पर थोड़ी सी, लेकिन क्या बल्लेबाजी की आखिर के ओवर में बैट्समैन मुजफ्फर ने और टीम के टोटल स्कोर को बना दिया 57 हुए थे और 58 का लक्ष्य रख दिया है। बिल्कुल, और यहाँ पर मोड़ दिया उस शॉट को, देखना है गेंद हाथों से छिटक गई और दो रनों का इशारा दिया हमारे दोनों ही ऑफिशियल्स ने। देखिए जो हमारा अंपायर का जो आज के दिन जो आप पैनल देख रहे हैं परवेश भाई और शाहिद भाई, ये BC4 के रिकॉग्नाइज अंपायरों में से एक हैं। तो कहीं से भी अकरम खान ने कोई गुंजाइश नहीं, अगर और मगर का कोई सवाल नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, आज नेहाल सुपर किंग का मुकाबला था जिनके ओनर है सद्दाम खान। किसी कारण देखिए बहुत ही बिजी शेड्यूल है, हम समझ सकते हैं कि सद्दाम खान का एक एक मिनट कितना कीमती है। हो गगन बेदी पांच गेंदे हुई है, पांच परेश भाई पूरा ऐप में अपडेट है ना, देख रहे ना।
हेलो देखिए कोई मैम मुझे भी वही आश्चर्य थोड़ा मैम मुझे भी वो सदमा लग गया कि परवेश भाई से कैसे गलती हो गई। इस दफा फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, निहाल खान को सलामी देता हुआ यह शॉट, लेकिन एक रन। लेकिन अच्छी बात यह कि शहील को अब स्ट्राइक मिली है। डेंजरस कस्टमर है, दो गेंदों में दो सिक्सर लगा चुके इससे पहले और ऑन हैट्रिक है। क्या हैट्रिक लगाकर पहले बैट्समैन बन पाते हैं एमएलए ट्रॉफी के? ओ हो, क्या गई है बाहर, क्या छूटा है। बिल्कुल दो मौके बने थे हैट्रिक सिक्सर का भी और कैच का भी, दोनों नाकामयाब हुए। लेकिन आज मुजफ्फर की पारी बड़ी शानदार रही है, इंपैक्ट प्लेयर भी रहे थे। गेंदबाजी पर सचिन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सवाल पूछा है वहां पर। एक रन के साथ स्कोर है 20, जबकि अभी तक कोई नुकसान, कोई हानि, कोई क्षति नहीं हुई है। सचिन शैल के लिए, बाहर से अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए, अच्छा थ्रो। स्कोर है 21, जबकि हमने देखा था कि पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर 17 रन था। अभी तक चार गेंदों में चार रन खर्च किए हैं सचिन ने। फिर से देखना है गेंद, पूरी तरीके से बल्ले पर आ नहीं रही। अब बाहरी किनारा लेकर हालांकि कुछ देर हवा में घूमी थी, खुश किस्मत रहे कि कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। फिर से शैल का बल्ला चला है, उसामा वहां पर मौजूद है, गैदर नहीं कर पाए वहां पर फील्डर, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बैट्समैन ने। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक अच्छी साझेदारी बिल्डअप हो रही है दोनों के दरमियान। मुशफिक और शैल, रज्जो, उसामा अब गेंदबाजी के लिए खुद आए, देखना उसामा क्या जादू कर पाते अपनी टीम के लिए। अजीबोगरीब तरीके से उस शॉट को खेला था, लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद और वाइड घोषित भी किए वहां पर परवेज ने। पैरों के सामने खेला है, देखना है फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए, अच्छा बैकअप और अच्छा थ्रो किया वहां पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन की मदद से अब स्कोर 26-26। सात गेंदों में 17 रनों की पारी खेली है शैल ने, जिसमें दो गगनभेदी सिक्सर भी लगाए, वहीं छह गेंदों में रेजो ने 7 रन बनाए हैं। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, देखना है कैच ड्रॉप किया है और इसका कितना खामियाजा भुगतना होगा। भिवंडी टाइटंस को फिर से देखना है, लगातार दो गेंदों में मिस फील्डिंग देखने को मिली है भिवंडी टाइटंस की तरफ से। कश्यप एंटरप्राइजेस भी लड़ने के मूड में यहां पर उतरी है मैदान में, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। फिर से पैरों के सामने, देखना है फील्डर मौजूद है, इस दफा कोई गलती नहीं, सुरक्षित। उसामा के हाथों में गेंद को थ्रो किया, चार गेंदे भी और टीम का टोटल स्कोर है 29 रन। देखिए 12वां खिलाड़ी इसके लिए बैठाया गया है कि वो यहाँ स्कोर बुक में नजर रख सके। आप बार बार वहां से पूछेंगे तो फिर मैं समझता हूँ एक मुकाबला फजर तक चलेगा। आबिद मालवी, आरिफ अंसारी, सैफ खान, इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया अकरम खान का और टर्फ की एक बहुत ही बुलंद आवाज नासिर शेख, जो
जिनका नाम आज कमेंट्री की दुनिया में बहुत ही उरूज पर चल रहा है, और उसी बीच रेजो सुपला चार्ट स्कोर है 37। देखिए रन और बॉल का जो इक्वेशन है अब यहां से बराबरी पर आने लगा है, क्योंकि अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों में 21 रन चाहिए। शाहिद भाई कितना समय हुआ है? अठारह गेंदे और जीतने के लिए 21, 7 × 21। देखिए शैल और रेजो क्या जबरदस्त सूझबूझ भरी पारी खेल रहे, लूज गेंदों को सही नसीहत कर रहे हैं। फिर से वहां पर एक टप्पे में गेंद को पकड़ा था लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं, एक रन मुकम्मल किया, एक रन से स्कोर 38, 17/20। हालांकि पिछले ओवर में हमने देखा था कि एक सिक्सर जरूर लगाया है रेजो ने, वहां पर रन के लिए जाना चाहते, खतरा खतरा, और देखना है क्या इशारा है। तो एक और विकेट, पहला विकेट गिरा है मेरे ख्याल से अब, और आउट होने वाले खिलाड़ी है शैल। नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़े रफीक। देखिए अब गेम ने कांटा बदला है, अभी तक पूरी तरीके से मुकाबला कश्यप इंटरप्राइजेस की मुट्ठी में था। एक और विकेट, जहां हमने देखा था कि पहले तीन ओवर में क्या गजब की पार्टनरशिप रही थी, उसके बाद दोनों ही ओपनर सब पवेलियन में आ चुके हैं, दोनों ही फ्रेश बैट्समैन है। अब देखना इसका कितना फायदा उठा पाती है भिवंडी टाइटंस। ऑफ स्टंप के बाहर देखना, एक और बस्ता दे दिया है।
डायरेक्ट हिट जरूर लगा था, इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर डायरेक्ट थ्रो रन आउट नहीं होता। 10 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन, सम्मान दिया। यहाँ पर सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, गुलाम को अब इस बात का ध्यान देना होगा। अब मरता क्या ना करता वाली स्थिति में आ चुकी है, पूरी तरीके से चार्ज हो गई है भिवंडी टाइटंस, लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। फिर से लेग स्टंप पर इस गेंद को रखा था, फील्डर मौजूद। सभी बिखरे हुए हैं, सभी की सांसें तेज चल रही है, सभी का दिल धड़क रहा है। क्या होगा इस मुकाबले का रिजल्ट? ओ, एक समय तो ऐसा लगा कि नेट फाड़ के ये बॉल बाहर जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, भारी भरकम शरीर होने के बाद भी गुलाम ने क्या रनिंग बिटवीन द विकेट की है। निहाल सुपर किंग के कैप्टन फराद अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 7 गेंदों में 9 रन। और इसी बीच एक और विकेट। स्वागत से स्वागत हो रहा है। ये देखिए अकरम खान और आबिद मालवी कुछ वार्तालाप कर रहे हैं बहुत दूर। अब मुकाबला जीतने के लिए देखिए 6 गेंदे 9 रन, विकटे हुई है 5। अब 6 गेंदे और 9 रन, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार? दोनों टीमें इस वक्त 50-50 के दहाने पर है। देखना है आगे की तरफ कदम कौन बढ़ाएगा और किसके कदम पीछे की ओर बढ़ेंगे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी ली है गेंदबाज साथ ने, जबकि वही रफीक खालिद। पहली गेंद देखना, रन के लिए जाना चाहते थे। अंपायर इज द बेस्ट जज, अंपायर का फैसला आखिरी होगा, इस बात का ध्यान देना है। कितने रन है परवेश भाई और शाहिद भाई? 1+1 शाहिद भाई, 1+1 यानी 2 रन। क्या बात है, एक बार फिर से मुकाबले ने पलटा खा लिया है नासिर। अब 6 गेंदे और 7 रन, क्या बात है। ओहो, एक लिया फिर से दूसरे के लिए, इस दफा कोई चूक नहीं उसामा।
फिल्टर प्रे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ना है। क्या बोलती कंपनी है? लगाऊंगा अफसर भाई और जम्मू भाई, आपको अपने हाथों से यह मैन ऑफ द मैच देना है इस मुकाबले का। क्या जबरदस्त खेल दिखाई खालिद, खालिद इज द मैन ऑफ द मैच। अफसर भाई और अफसर भाई आप आ जाओ अपने हाथों से, ये देखिए मैन ऑफ द मैच ऊपर आना है आपको यहाँ तो सबसे पहले।